भालकी में शुक्रवार को भाजपा की सार्वजनिक सभा में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया और केपीसीसी अध्यक्ष और विधायक ईश्वर खंडे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। इसके अलावा घर वितरण मामले में घोटाले को उजागर करते हुए लोगों को जागृत किया, तो साथ ही ईश्वर खंडे के खिलाफ जांच और कार्यवाही की मांग की। इस अवसर पर भाजपा के नेता गुंडू रेड्डी ने केपी न्यूज से बात की। संवाददाता सुहेल खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। तो विशेष अब हमारा माने संसद जी मंत्री जी साहब ने बोला ना आपको, यहाँ पे झूठ आरोप कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, झूठा है बोल के बोले ना, इसलिए हम क्लैरिफाई देने आए। हमारा गवर्नमेंट ने, हमारा प्रकाश खंडे जी रहे जब क्या क्या काम करे, अभी मोदी जी आने के बाद क्या काम हो रहा, अभी हमारा सरकार हमारा है स्टेट में भी मोदी जी का, बोम्बई साहब का है, पिछले सीएम येडियुरप्पा जी रहे जब क्या क्या करे, इधर बोल के पूरा ओपन किया। अब वो झूठ बोल रहे, झूठ झूठी होता सही सही होता, हम चैलेंज दिया ना भगवंत खूबा साहब, अब सच क्या है बताओ, झूठ कहीं को पब्लिक को गुमराह कर रहे। बाली पाऊ पक्ष ने विचार करता सर, उसका उतना बड़ा हम नहीं है, हम एक छोटी कार्यकर्ता है, पार्टी का कार्यकर्ता ही देता है, जिसको देते भी जिताने का पक्का कार्यकर्ता रेडी है अभी। थैंक यू।